किसी आदमी को अपने को दिनहीन नहीं मानना चाहिए, किसी भी आदमी को अपने को पापी और दुर्बल नहीं मानना चाहिए। यदि आदमी अभागा है तो सौभाग्यशाली कौन है? मानव मात्र महासौभाग्यशाली है। और याद रखें, किसी भी मनुष्य के भाग्य में दुख भोगना बदा नहीं है, किसी मनुष्य के भाग्य में दुख नहीं है, हर मनुष्य के भाग्य में कल्याण है, सुख है, शांति है। दुख हम बनाते हैं गलत सोच करके, अनेक इच्छाएं कामनाएं तृष्णाएं पाल करके, दूसरों के लिए ईर्ष्या द्वेष घृणा मन में रख करके, अभाव असंतोष की आग में जल करके। यदि मन की गलत आदतें मिट जाएं, असंतोष मिट जाए, अभाव की अनुभूति मिट जाए, तो दुख कहां है? ये मनुष्य जीवन दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, दुख काटने के लिए मिला है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला है। इसलिए हर आदमी सौभाग्यशाली है, अभागा कोई नहीं है। यदि मनुष्य में कोई अभागा है तो वह है जो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करता है, जो चोरी करता है, हत्या करता है, व्यभिचार बलात्कार करता है, दूसरे के रास्ते पर रोड़ा अटकाता है, जो बिना मतलब दूसरों से बैर विरोध करता है, जिसके मन में हमेशा निगेटिव विचार चलते रहते हैं, वो अभागा आदमी है। वह अपने आप को बदल सकता है। आपके पास मकान नहीं है, मकान है तो छोटा मकान है, झोपड़ी है, खपड़ेल का मकान है, फूस का मकान है, इसलिए अभागे हैं। आपके पास थोड़े पैसे हैं, इसलिए अभागे हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए अभागे हैं। आप निसंतान हैं, इसलिए अभागे हैं। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मकान है, रहने भर का है, भीख तो मांगते नहीं हो, कमाते हो, खाते हो, कपड़ा पहनते हो, सब कुछ तो हो रहा है, कमी क्या है? पैसा बढ़ जाएगा तो सुख बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। पैसा बढ़ेगा तो सुविधाएं बढ़ेगी, आराम बढ़ जाएगा, बड़ा मकान बना लोगे, बड़ी दुकानें बना लोगे, बड़ी गाड़ियां मैया खरीद लोगे, महंगे कपड़े खरीद लोगे, महंगे गहने बना लोगे, सुविधाएं मिलेगी, मन का चैन नहीं मिलेगा, मन की शांति नहीं मिलेगी। हम शांति को धन में खोजते हैं, पद में खोजते हैं, प्रतिष्ठा में खोजते हैं, मान सम्मान में खोजते हैं, गुरुवाई गद्दी महंती में खोजते हैं, बाल बच्चों में खोजते हैं, और हमारी यह खोज ही हमें दुखी बनाती है। जिस शांति की तलाश में, जिस कल्याण की तलाश में, जिस मोक्ष की तलाश में, जिस परमात्मा की तलाश में आप भटक रहे हैं, वो आपके भीतर, हर आदमी के अंदर शांति का झरना बह रहा है, हर आदमी के भीतर अखंड सुख का खजाना भरा हुआ है, और हर आदमी के अंदर परमात्मा का निवास हो रहा है। लेकिन हम भीख मांग रहे हैं, और भीख मांगते मांगते जिंदगी गुजर जाती है, हमारा जो मूल धन है आत्मधन विवेक धन, हमें उसका पता नहीं चल पाता है। भीख मांगना बंद करें, समझें अपनी गरिमा को, अपनी प्रतिष्ठा को। आप महान हैं, मानव तू है सबसे महान,
मनुष्य महान है।